हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना प्रेशर सेंट फिल्टर क्या होता है, कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अपना बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। ये सपोर्टिंग लेग्स होते हैं। सपोर्टिंग लेग्स डेट मीन्स जिस पर अपना पूरा फिल्टर स्टे करता है वो अपना सपोर्टिंग लेग्स हो जाता है। देन फ्रेंड्स, ये अपना नोजल आ जाते हैं। नोजल डेट मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है कि ये पूरा जिस पर पूरी मीडिया अपनी होल्ड होती है वो अपना नोजल होता है, वो यहाँ पर लगा होता है। देन फ्रेंड्स आ जाता है अपना नोजल प्लेट। वो प्लेट रहती है फ्रेंड्स जिसके ऊपर वो नोजल अपने पूरे टाइट रहते हैं, वो अपने नोजल प्लेट हो जाती है। देन फ्रेंड्स उसके ऊपर आ जाता है अपना मीडिया। मीडिया में फ्रेंड्स सबसे पहले आ जाता है अपना पेबल्स। पेबल्स मतलब एक बेसिकली पत्थर होते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक साइज होती है फ्रेंड्स, जो 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस की होती है। उस रेंज में हम लोग उस पत्थर को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। देन उसके ऊपर आ जाएगा फ्रेंड्स अपना पेबल्स। पेबल्स में फ्रेंड्स क्या होते हैं, 1 इंचेस टू 1.5 इंचेस की इसकी साइज होती है। सेम पत्थर रहेंगे, उसकी साइज़ थोड़ा सा कम होगी फ्रेंड्स, और हाइट इसकी जो पेबल्स नीचे डालेंगे उसकी 150 mm, उसके ऊपर जो डालेंगे वो उसकी 100 mm डालेंगे। देन फ्रेंड्स उसके ऊपर आ जाता है अपना ग्रेवल्स। ग्रेवल्स की साइज़ फ्रेंड्स क्या होती है कि 0.5 इंचेस टू 1 इंचेस तक की हम ग्रेवल्स की ले सकते हैं इसमें, और इसकी हाइट हम लोग 100 mm रख देंगे फ्रेंड्स। ये पेबल्स और ग्रेवल्स, ये तीनों मिलाकर फ्रेंड्स होती है अपना सपोर्टिंग बेड। सपोर्टिंग बेड फ्रेंड्स जो जितने भी मीडिया फिल्टर अपने होते हैं सब में सपोर्टिंग बेड अपना कॉमन होता है। जो भी अपना चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स वो मीडिया बेड में आते हैं। सपोर्टिंग बेड ये इतनी तीनों चीज़ ग्रेवल्स पेबल्स एंड पेबल्स ये तीनों कॉमन होती है, मतलब इसके ऊपर ही ये अपना सपोर्ट करता है, पूरी मीडिया को सपोर्ट करता है, इसके लिए इसको सपोर्टिंग बेड बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर आ जाते हैं अपने सिल्का सैंड। सिल्का सैंड फ्रेंड्स बेसिकली क्या होती है कि छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर होते हैं फ्रेंड्स, वो जो अपना बिल्डिंग मटेरियल्स में मोरंग आती है, रेता जिसको बोलते हैं, उसमें जो पत्थर होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक साइज होती है फ्रेंड्स, वो होती है 0.5 टू 2 mm तक की हम रख सकते हैं इसमें, बिल्कुल बारीक बारीक साइड में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटी छोटी रखेंगे। देन फ्रेंड्स ये सब साइज और ये इसकी जो भी मीडिया की साइज हो गई या इसकी हाइट हो गई, ये सब डिपेंड करता है फ्रेंड्स बेसिकली जो आपका जो भी मैन्युफैक्चरर का डिजाइन डेटा होगा उस पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। ये जो अपनी मीडिया हमने जो भी डाला ग्रेबल्स पेबल्स और सिल्का सैंड, इन सब की जो हमने साइज लिखा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हैं तो डिजाइन डेटा की साइज, बट आपका जो डिजाइन पैरामीटर होगा आप उसके हिसाब से देखिएगा, और हाइट भी इसकी वो डिजाइन डेटा में ही लिखा रहता है कि आपका डिजाइन पैरामीटर में क्या कितनी हाइट रखनी है उसके हिसाब से देखिएगा, ये नॉर्मली डिजाइन डेटा ही है फ्रेंड्स। आउटर बॉडी से अपने हर एक मीडिया फिल्टर जो होते हैं फ्रेंड्स वो कॉमन ही दिखते हैं, उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हो कि ये कौन सा फिल्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स। नॉर्मली जो हम लोग किसी भी फिल्टर को पहचानना हो तो उसको हम लोग मीडिया बेड से पहचानेंगे। अब मीडिया बेड में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये अपना प्रेशर सैंड फिल्टर है तो इसमें केवल एक मीडिया आएगी, वो भी आएगी सिल्का सैंड। अब ये तो डिक्लेयर हो गया कि भाई ये प्रेशर सैंड फिल्टर है। अब ये डुअल मीडिया फिल्टर होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मीडिया आ जाती है, एक एक्टिवेटेड कार्बन की और एक सिल्का सैंड। सो फ्रेंड्स फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कि मीडिया बेड से ही, जैसा कि हमने 2 एग्जांपल भी दिए आपको, कि मीडिया बेड से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फिल्टर अपना लगा हुआ है। अब फ्रेंड्स ये 2 मैनहोल दिए रहते हैं, ये टॉप मैनहोल है फ्रेंड्स, ये बॉटम मैनहोल है फ्रेंड्स। ये बेसिकली यूज में आते हैं कि कभी भी अगर अपने फिल्टर में कोई मेंटेनेंस करना हुआ या मीडिया को बाहर करना हुआ या मीडिया को टॉपअप करना हुआ, उस टाइम पर ये दोनों अपना मैनहोल फ्रेंड्स वर्क में आते हैं। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है कि इनकी साइज भी इतनी सफिशियंट होती है कि आदमी आराम से नीचे जा सकता है, कोई भी अपना ऑब्जर्वेशन है वो कर सकता है, मीडिया को बाहर निकाल सकता है, मीडिया को टॉपअप कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मैनहोल दिया रहता है। देन फ्रेंड्स अपने को एयर वेंट का प्रोविजन दिया रहता है। एयर वेंट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है कि ये अपना क्लोज बेसल रहता है। अब क्लोज बेसल रहता है कि फ्रेंड्स जो बैकवाश के टाइम पर क्या होगा कि बेसल का वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स वाटर का लेवल डाउन होगा तो चांसेस रहेगा कि यहाँ पर एयर जनरेट हो जाएगी, इस वजह से भी ये वाटर का लेवल डाउन होकर यहाँ आ गया। अब इतनी स्पेस में अपने को एयर जनरेट हो गया। अब यहाँ पर अगर एयर इतनी स्पेस में आपको एयर जनरेट हो गया, देन इस एयर को आप नहीं निकालोगे तो यहाँ से जैसे ही इंटर कराओगे वाटर को तो यहाँ पर
प्रॉपरली इसमें फिल्ट्रेशन अपना हो नहीं पाएगा एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या फ्लो अपना कम आएगा। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग एयर वेंट का प्रोविज़न करते हैं। इसको हर एक बैकवॉश में एक बार हम लोग एयर वेंट कर देते हैं तो अपना फिल्टर प्रॉपर वर्क करता रहता है। देन फ्रेंड्स, ये अपना इनलेट हेडर में एक प्रेशर गेज रहता है, एक आउटलेट हेडर में प्रेशर गेज रहता है। इसका बेसिकली यूज होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग डीपी निकालने में इसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर। अब फ्रेंड्स, ये प्रेशर सैंड फिल्टर है अपना, ये प्रेशर सैंड फिल्टर ये इन दोनों प्रेशर गेज पर ही डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ इसमें मिनिमम प्रेशर लॉस होता है। आप एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर देख लीजिए, डुअल मीडिया फिल्टर देखिए, इन सब में प्रेशर ड्रॉप इससे ज़्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होता फ्रेंड्स, ये मिनिमम प्रेशर ड्रॉप पर वर्क करता है। अब फ्रेंड्स, अगर ये प्रेशर गेज नहीं लगाएंगे तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये अपना प्रेशर कितना चल रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है। उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग दो प्रेशर गेज लगाते हैं और बेसिकली हम लोग कभी भी अगर इसका डीपी बढ़ गया तो बैकवॉश भी ले लेते हैं। उन सारी चीज़ों में ये यूज में आता है अपना प्रेशर गेज। देन फ्रेंड्स, ये अपना इनलेट का हेडर होता है, इनलेट वाटर हेडर, जिससे अपना वाटर आ रहा है। और ये अपना होता है फ्रेंड्स नोजल होते हैं। नोजल फ्रेंड्स क्या किस लिए लगाए जाते हैं, बिकॉज आप क्या फ्रेंड्स कि जो वाटर डायरेक्टली अपना ना आए और स्प्रेड होकर आए। अगर वो डायरेक्टली नीचे गिरेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा कि उसका फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर वो नोजल के थ्रू स्प्रेड होकर गिरेगा तो फिल्ट्रेशन के लिए उसको प्रॉपर रिटेंशन टाइम मिल जाएगा और मीडिया प्रॉपर उसको फिल्टर कर देगी। फ्रेंड्स, ये अपना प्रेशर सैंड फिल्टर जो भी जो इम्प्योरिटीज अपना जैसे टर्बिडिटी हो गया या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गया, वो 30-50 माइक्रोन तक की इम्प्योरिटीज को मिनिमम प्रेशर ड्रॉप को 5 PPM तक वो कन्वर्ट करके दे देगा। मतलब इसकी इम्प्योरिटीज 5 PPM तक वो डिक्रीज करेगा देगा। मतलब जो आउटलेट वाटर रहेगा उसकी लेस देन 5 PPM इम्प्योरिटी, जो टर्बिडिटी आप मेजर करोगे वो लेस देन 5 PPM टर्बिडिटी आपको मिल जाएगा मिनिमम प्रेशर ड्रॉप पर। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है फ्रेंड्स अपना प्रेशर सैंड फिल्टर का। अब फ्रेंड्स आता है कि अपने माइंड में कि नॉर्मली ये यूज कहां पर होता है। फ्रेंड्स, ये नॉर्मली यूज अपने को डीएम प्लांट में मिलता है, जो हाई कैपेसिटी के डीएम प्लांट्स होते हैं उनमें अपने को ये देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर ये जैसे पहले अपने डीएम प्लांट का देख लेते हैं। डीएम प्लांट में पहले अपना आ जाएगा प्रेशर सैंड फिल्टर, PSF आ जाएगा ये, उसके बाद में इसका ही आउटलेट अपना चला जाएगा डुअल मीडिया फिल्टर या एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो भी उस डिज़ाइन के हिसाब से जो है वहाँ पर उसमें जाएगा। देन उसका आउटलेट डायरेक्टली अपने को केटाइन में देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें प्रेशर सैंड फिल्टर ही यूज क्यों होता है। सपोज कीजिए कि DMM ने मल्टीग्रेड फिल्टर का यूज कर लिया। अब मल्टीग्रेड फिल्टर में इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, एक पंप फीड पंप रहेगी वो स्टार्ट हुई, देन आएगा अपना मल्टीग्रेड फिल्टर में वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा, देन उसके बाद में अपना जाएगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर या डुअल मीडिया फिल्टर जो भी होगा उसमें जाएगा, देन उसके बाद में अपना केटाइन तक पहुँचते पहुँचते उसका प्रेशर जो होगा वो काफ़ी लो हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग हमेशा प्रेशर सैंड फिल्टर का यूज जनरली हम लोग करते हैं, या डुअल मीडिया फिल्टर लगा दिए तो कोई भी नहीं रहेगा। मतलब ये प्रेशर सैंड फिल्टर भी नहीं लगाएंगे और ये अपना जो भी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी नहीं लगाएंगे, ओनली डुअल मीडिया फिल्टर के थ्रू हम लोग पानी को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। फ्रेंड्स, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है कि यहाँ से अपना वेस्ट वाटर आया, यहाँ पर प्रेशर गेज में हम लोगों ने प्रेशर को मेजर कर लिया कितना प्रेशर चल रहा है, देन यहाँ पर आया, यहाँ पर फ्रेंड्स नोजल लगा। अब नोजल का फ्रेंड्स फेस जो है वो ऊपर है, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या है कि अगर वो उसको हम लोग फेस को नीचे रखेंगे देन डायरेक्टली प्रेशर ये सीधे प्रेशर यहाँ पर मीडिया पर डालेगा। अब मीडिया पर प्रेशर डालेगा तो फ्रेंड्स क्या करेगा कि मीडिया के ऊपर जो इम्प्योरिटीज की लेयर बनी हुई है उसको ये उछालना शुरू करेगा। अब अगर ये उसको उछालना शुरू करेगा तो उसमें ही पूरा इम्प्योरिटीज में घुल जाएगा। मतलब जो वाटर अपना आ रहा है और इसमें जो इम्प्योरिटीज ऑलरेडी मीडिया में है वो सब मिक्स हो जाएंगी, प्रॉपर फिल्ट्रेशन अपना हो नहीं पाएगा बिकॉज अब उसको रिटेंशन टाइम प्रॉपर मिलेगा नहीं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग ऊपर लगाते हैं। अब ऊपर रहेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा कि पहले ये सबसे पहले पानी निकला फ्रेंड्स, ये नोजल के थ्रू इसकी बॉडी पर प्रेशर मारा, बॉडी पर प्रेशर मारकर ऐसे स्प्रेड हुआ। अब स्प्रेड होकर ये नीचे आएगा ऐसा अपने सिल्का सैंड मीडिया पर, तो नॉर्मली इसको प्रॉपर अच्छे से रिटेंशन टाइम भी मिल जाएगा मीडिया को इसको क्लीन करने के लिए, देन ये अपना वाटर यहाँ से के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब ये अपने को आउटलेट 5 PPM से नीचे का मिल जाएगा। ये अपना हो गया फ्रेंड्स प्रेशर सैंड फिल्टर। अब फ्रेंड्स, इसमें प्रेशर सैंड फिल्टर की जो ट्रबल शूटिंग होती है, इसमें क्या क्या मेंटेनेंस आते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आपको देखना हो तो हमने कम्प्लीटली एक वीडियो और डाल रखी है, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। सो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।